अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं रोज न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अनीस। सबसे पहले रोज हेडलाइन। इस्लामाबाद पुलिस की तरनोल के इलाके में कार्रवाई, गाड़ी से बड़ी तादाद में असलहा बरामद, दो मुलजिम गिरफ्तार। अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के इंतजार में बेकरार, नवाज शरीफ की कल कौमी असेंबली आमद, पनामा लीक्स पर ईवान को इत्मीनान मिलेंगे। जुडिशरी की मर्जी से बनेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए टीओआर अदालत की मर्जी से बनाने का ऐलान, आसिफ जरदारी को पीपल्स पार्टी जहेज में मिली, ख्वाजा साद रफीक का तंज। किसी को नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा, असातिज़ा और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लाहौर में 31 घंटे बाद धरना खत्म। उज़ैर बलोच से ताल्लुकात, कराची पुलिस के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज, काम करने से रोक दिया गया, 7 SHOs और 1 पुलिस कांस्टेबल का बयान कलम बंद। मीर हासिल बजिंजो ने नेशनल पार्टी को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, अरकान असेंबली के असासों की छानबीन के लिए कमेटी भी बना दी। अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं रैकुड केस में गवाही देने पर अपोजिशन को तकलीफ हुई। इमरान खान ये एहतजाज हसन हेडमास्टर नहीं है कि स्कूल के और छोटी पकड़ के खड़े हुए हैं की आप आए और सवालों को जवाब दें, और मंडे को दे रहे हैं वैसे प्राइम मिनिस्टर जवाब। तो हमारे से हिसाब किताब मांग रहे थे 1985 से लेकर 2016 तक तमाम चीजों का, तमाम ट्रांजैक्शंस का, सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं, तमाम शरीफ फैमिली का। और यहाँ एक ट्रांजैक्शन का कह रहे हैं कि इतना पुराना है कि मैं कहाँ से लेके आऊँ। और भाई आप ये बता दें कि आपने इमरान खान साहब ने वो डिक्लेयर क्यों नहीं किया पाकिस्तान में आज तक। इमरान खान और एतदाद एहसन हेडमास्टर नहीं जो हमसे सवालों के जवाब मांगे, वज़ीर आज़म कौमी असेंबली में सवालात का जवाब देंगे, चेयरमैन नजकारी कमीशन जुबैर उमर की रोज न्यूज के प्रोग्राम करंट अफेयर में गुफ्तगू। फैसलाबाद में ताक झांक पर नौजवान कत्ल, किराएदारों ने ईंटे मार मार कर हलाक कर दिया, वर्सा का लाश सड़क पर रख कर एहतजाज। ननकाना में बासर अफराद कानून से ज्यादा ताकतवर, मतरूका वक्फ अमलाक पर कब्जा ग्रुप ने फिर तमीरात शुरू कर दी, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलजम गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची में जहरीली गैस ने कई घर उजाड़ दिए, केमिकल टैंक की सफाई के दौरान 5 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए, फैक्ट्री सील, गरीब खानदान इंसाफ के मुंतजर। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की यूसुफ रजा गिलानी के घर आमद, अली हैदर गिलानी की बाजियाबी पर मुबारकबाद, शहबाज शरीफ कहते हैं औलाद की जुदाई के गम को समझता हूँ, तहम साबिक वज़ीर आज़म ने इस मरहले को जिस बहादुरी से गुजारा वो काबिले सताइश है। और टंडवादम में पाकिस्तान एक्सप्रेस की एक बोगी ट्रैक से उतर गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए रोज न्यूज।